मेरा नाम डॉक्टर संदीप गोयल है, मैं पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ है। आज हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी और सीने में जलन एक ऐसी समस्या है जिससे आप लोग सभी ना सभी कभी ना कभी पीड़ित अनुभव करते ही हैं। एसिडिटी और सामान्य भाषा में हम कहें सीने में जलन, खट्टी डकार आना, मुंह में तेजाब का आना, पेट में जलन का अनुभव करना, बार बार डकार का आना, ये ऐसे लक्षण है जो एसिडिटी को बताते हैं। एसिडिटी के बहुत सारे कारण हैं। एसिडिटी मेनली इसलिए होती है कि जब हमारे आमाशय के द्वारा जो अम्ल बनता है, जो खाने को पचाने का काम करता है, जब ये ऊपर भोजन नली की तरफ आ जाता है तो ये अम्ल सीने में जलन पैदा करता है और कभी कभी ये मुंह में आता है तो खट्टी डकार का हम अनुभव करते हैं। एसिडिटी के बहुत सारे कारण हैं। इसका एक प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली और खान पान। यदि हमारे जीवन शैली में व्यायाम की कमी है तो आप एसिडिटी के ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। धूम्रपान करना, शराब पीना, बहुत ज्यादा तैली खाना खाना, मसालेदार खाना खाना, चाय और कॉफी का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना, ये भी एसिडिटी को बढ़ावा देता है। एसिडिटी से बचने के लिए आप दवाइयों के साथ साथ अपनी जीवन शैली में ही बदलाव लाएंगे तो आप लक्षणों का अनुभव कम करेंगे। इसके अलावा एंडोस्कोपी के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके अम्ल के द्वारा भोजन नली में छाले तो नहीं हो गए हैं, कि आप जलन का अनुभव कर रहे हैं, कि भोजन नली में कहीं सिकुड़न तो पैदा नहीं हो गई है जिससे आप गले में कभी कभी खाना अटकने का अनुभव तो नहीं करते हैं। पीएच मनोमीटर एक दूसरा टेस्ट है जिसके द्वारा हम भोजन नली में पीएच नाप सकते हैं और अम्लता का पता लगाया जा सकता है। यदि आप बार बार एसिडिटी का अनुभव करते हैं और आपके लक्षण आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी जांच करवाएं, अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।